हेलो गाइस, आप सभी को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। आज हम ट्रैवल बैग बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। ये पर्दे का फैब्रिक है, तो ये बहुत थिक है, तो मैंने इसमें बुकरम फोम सीट कुछ भी यूज़ नहीं किया है, अस्तर डाल के इसे क्विट कर लिया है। और इसका मेजरमेंट लिया है 17x12 इंच। 17 इंच है वो हमारी चौड़ाई और 12 इंच है वो हमारी लंबाई है। तो अभी इसमें से हम 17 इंच है वहाँ से इसे बीच में से फोल्ड करेंगे, और जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है ना वहाँ से हम नाप लेंगे साइड की तरफ जाते हुए 4 इंच का। इससे इस तरह से 4 इंच का मार्क करते जाएंगे, और वो मार्क हमें 9 इंच तक करना है, और जो सेंटर है वहाँ पे भी हमें सेंटर मार्क कर लेना है। अभी देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए 9 इंच पे हमें ये मार्क कर लेना है। फोल्ड किया हुआ हिस्सा है वहाँ से हमें माप लेना है 4 इंच पे, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए 9 इंच, मतलब हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे, तो बेल्ट हमें 9 इंच तक ही अटैच करना है। तो इस तरह से दोनों साइड हमारी, ये देखिए ड्रॉ करके हो गई, सेम इसमें भी हम इसी तरह से कर लेंगे, दोनों पीस में सेम माप का हम लाइन बना लेंगे। तो ये बन गया। अभी इसमें पॉकेट बनाने के लिए ये मैंने फैब्रिक ले लिया है 8x9 इंच। 9 इंच है वो हमारी हाइट है, और 8 इंच है वो हमारी चौड़ाई है, विड्थ है। और अभी इसमें सेम मेजरमेंट का अस्तर ले लेना है। ये देखिए, अस्तर ले लिया। पीस को पहले सीधा रखेंगे, सीधा अंदर की साइड रखेंगे, एक ही साइड हमें ये स्टिच कर लेना है। तो ये स्टिच कर गए, स्टिच करके हो गया। अभी इसे सीधी तरफ कर लेंगे, और ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से रख के बाकी की जो साइड है उसे भी पैक कर लेंगे, और ऊपर भी हम टॉप स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टॉप स्टिच हो गई, दोनों पीस हमारे रेडी हो गए। अभी 8 इंच की हम जिप लेंगे, और जिप को यहाँ पे इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच करके हो गया। अभी उल्टा करके यहाँ पे जो जिप ऊपर की तरफ उठ रही है उसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसे दबा देंगे, इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। ये हो गया। अभी कर लेंगे रनर एंड। तो इस तरह से जिप को थोड़ा सा ओपन करना है, और फिर धीरे से रनर को इसमें ऐड कर लेना है। तो ये हो गया हमारा दोनों पीस में रनर ऐड। अभी ये पीस में जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही सेम दूसरे पीस में करना है। यहाँ पे इस तरह से पॉकेट को रखना है, और चारों साइड सिलाई करके ये पॉकेट यहाँ पे अटैच कर लेना है। ये देखिए, ये पॉकेट अटैच करके हो गया। ये पर्दे का कपड़ा है, तो इसमें रेसे बहुत निकलते थे, इसके लिए मैंने इसके पॉकेट में अस्तर डाला है। अगर आपके कपड़े में अस्तर नहीं, अरे धागे नहीं निकलते हैं, तो आप अस्तर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अभी रेडीमेड जो बेल्ट आता है वो बेल्ट ले लिया है मैंने 46 इंच का, और यहाँ पे इसे रखेंगे, और जो 9 इंच का हमने मार्क किया था ना वहाँ तक हमें इसे स्टिच कर लेना है, और जो पॉकेट है उसके ऊपर ही ये बेल्ट आना चाहिए, और पॉकेट का जो साइड का हिस्सा है वो बेल्ट के नीचे दब जाना चाहिए ताकि वो कवर हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमारे बेल्ट अटैच हो गए दोनों साइड। अभी हम ऊपर और नीचे दोनों साइड सेंटर मार्क कर लेंगे, क्योंकि पहले जो सेंटर मार्क हमने किया था वो अंदर की साइड आ गया। अभी पॉकेट में ऊपर की साइड कर लेंगे सेंटर मार्क, दोनों पीस में हमें सेंटर मार्क कर लेने हैं। फिर हम ये दोनों पीस अभी साइड में रखेंगे, और दूसरा एक पीस ले लेंगे, उसे भी मैंने सेम कपड़े से ही क्विट करके लिया है। तो इसकी चौड़ाई लिए मैंने 16 इंच, और इस तरह से है ये 9 इंच। तो अभी हम 9 इंच वहाँ से फोल्ड करेंगे, और एक ही तरफ हमें मार्क कर लेना है। ये देखिए, ये हमने सेंटर का मार्क कर लिया। अभी जो 16 इंच है वहाँ पे हम इसे वापस फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे दोनों साइड हम सेंटर का मार्क करेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों साइड हमारा सेंटर का मार्क हो गया, तो तीन साइड हमारा सेंटर का मार्क हुआ है। अभी हमें जिप ले लेनी है 41 इंच की। ये देखिए, ये जिप है 41 इंच की, और इसे जो हमने मार्क किया है ना वहाँ से स्टिच करना है। जिस साइड हमने मार्क नहीं किया है वहाँ हमें इसे स्टिच नहीं करना है, बाकी तीन साइड पे ये जिप को स्टिच करना है। जिप को उल्टा रख के स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये स्टिच करके हो गया, और अभी यहाँ पे इसके रेसे बहुत निकल रहे हैं ना, तो मैं इसे नॉन वेन की स्ट्रिप लूँगी, और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए स्टिच करके पूरे राउंड में इसे कवर कर लेना है। ये देखिए, ये कवर करके हो गए। अभी इसे भी हमें इस तरह से दबा देना है, इसके ऊपर सिलाई चला के इसे दबा देना है, ताकि हम जिप खोले और बंद करें तभी ये पार्ट हमारी जिप में आ ना जाए और अटके नहीं जिप इसके लिए।
ये हो गया। अभी इसमें दोनों साइड से एक एक रनर ऐड कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों साइड से रनर भी ऐड हो गया। अभी हम दूसरा एक मटेरियल लेंगे और हाँ, जो सेंटर मार्क है उसके सामने ही जिप में हमें सेंटर का मार्क कर लेना है, जो सेंटर मार्क है उसके सामने ही स्थित। अभी ये देखिए ये दूसरा मैंने कपड़ा ले लिया और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 10.5 इंच और इस तरह से लंबाई में है 42 इंच। ये देखिए इस तरह से ये 42 इंच है। तो ऐसा हमें एक कपड़ा लेना है और अभी इसमें पहले हम 42 इंच है वहाँ से फोल्ड करेंगे और सेंटर का मार्क कर लेंगे। बीच में हमें दोनों साइड सेंटर का मार्क कर लेना है। ये दोनों साइड हमारा सेंटर का मार्क हो जाए, बाद में जो 10.5 इंच है वहाँ से हमें एक साइड ही इस तरह से सेंटर का मार्क करना है और फिर जो जिप में हमने सेंटर का मार्क किया था 9 इंच पे फोल्ड करके, वो मार्क और ये मार्क दोनों को मैच करना है और जिप को यहाँ पे अटैच करना है। इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है तो यहाँ तक हमें जिप को इस पार्ट में अटैच कर लेना है। इस तरह से देखिए सेंटर मैच होने चाहिए और अभी इसे भी मैं इस तरह से पट्टी से कवर कर लूँगी। ये देखिए कवर करके हो गया। फिर ऐसे उल्टा करके इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेनी है ताकि हमारी जिप में ये कपड़ा आए नहीं। तो ये हो गया। अभी दूसरी साइड इसकी और जो जिप वाला पार्ट है उसकी साइड दोनों को हम स्टिच करके रेडी करेंगे और साथ में कवर भी कर लेंगे। ये देखिए ये स्टिच करके हो गया तो ये हमारा एक राउंड पीस बन के रेडी हुआ है। अभी ये जो जिप के ऊपर और इसके नीचे वाले पीस में सेंटर का मार्क है वहाँ पे हमें जो पहले ही हिस्सा हमने रेडी किया है वो लेना है। तो ये देखिए बेल्ट के नीचे की तरफ आता हुआ जो सेंटर है वो यहाँ पे हमें मैच करके पिनअप करना है और जो जिप है उसके ऊपर जो सेंटर मार्क है वो जिप के ऊपर वाला सेंटर है, ऊपर वाले पार्ट में जिप जो लगाई है वहाँ पे जो सेंटर है वो दोनों मैच करना है। फिर यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे राउंड में पूरे घुमाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पूरा इस तरह से स्टिच करके इसे हमें तैयार करना है और साथ साथ में इसे कवर भी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पूरे राउंड में घुमाते हुए स्टिच कर लेना है। ये देखिए स्टिच करके हो गया। अभी सेम इसी तरह से दूसरा हिस्सा लेंगे और दूसरा हिस्सा है ना वो यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखिए ऊपर नीचे ना हो जाए उसका ध्यान रखना है, ऊपर का पार्ट नीचे की तरफ ना लग जाए वो ध्यान रखते हुए हमें ये पीस अटैच करना है। तो जिप है, जिप का सेंटर और जो जिप में सेंटर है वो दोनों पहले मैच कर लीजिए, फिर नीचे का जो सेंटर है वो नीचे मैच कीजिए, फिर राउंड में घुमाते हुए इसमें स्टिच कर लीजिए इस तरह से और इसे कवर भी कर लीजिए। ये देखिए ये कवर करके हो गया। और अगर जिप के ऊपर ये कवर किया हुआ जो कपड़ा आपका आया है तो उसे कट कर लीजिएगा, नहीं तो वो जिप खोलते बंद करते समय अटकेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा है उसे हमने जो कपड़ा कवर किया है जो वो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करना है, कवर किया है वो दूसरा मटेरियल हमें कट नहीं करना है। फिर हम जिप को ओपन करके बैग को कर लेंगे सीधा। तो ये देखिए ये बैग बनके हमारा हो चुका है रेडी। तो ये देखिए इस तरीके से बैग बनाना बहुत आसान है और छोटे छोटे टुकड़ों से भी ये बड़ा सा हम ट्रैवल बैग बना सकते हैं और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और कैसा बनता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए इसकी ओपनिंग भी ऐसे वाइल्ड है तो हम अपने कपड़े या कुछ चीज़ें जो अंदर की तरफ रखते हैं वो अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। मैंने इसमें ब्लैंकेट और चादर सब डाल के आपको दिखाया है ताकि आपको पता चले ये कितना बड़ा बैग बना है। और इसमें मैंने बुकरम वो कुछ यूज़ नहीं किया था ना, इसके लिए ये ढीला था और अंदर की तरफ भरते हैं तो हमें अंदाज आता है। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई है ना वो 16 इंच हुई है, ऐसे चौड़ाई में ये 9.5 इंच है, हाइट इसकी 12 इंच है, ये देखिए 11.5 इंच है और बेस भी इसका 9.5 इंच है। तो इस तरह से इसका फाइनल मेजरमेंट बनके रेडी होता है और तकरीबन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 90 या 1 मीटर जितना कपड़ा यूज़ होता है, अंदर का अस्तर 1 मीटर का और ऊपर का फैब्रिक भी 1 मीटर का, इसमें से ये बैग बनके रेडी हो जाता है। तो आशा रखती हूँ कि आज का ये बैग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट करना ना भूले, साथ साथ में लाइक भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और हाँ,
चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।